बहुत मजा आया आपकी फिल्म ब्लर देख करके। थैंक यू सो मच। और तापसी, पहला सवाल मेरा ये है आपसे साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न के लिए, और वो ये कि आप में इस फिल्म की आप प्रोड्यूसर भी हैं, तो जी जब अजय बहल साहब आपके पास आए, उन्होंने इसकी कहानी भी लिखी है, डायरेक्टर भी हैं, तो आपने क्या सोच के सोचा कि भाई चलो यार खेल जाते हैं एक दाव? एक्चुअली ऑर्डर इस चीज का पूरा उल्टा था। मैं गई थी अजय सर के पास स्क्रिप्ट लेके डायरेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी, ये स्क्रिप्ट विशाल के पास थी जो को प्रोड्यूसर है हाँ साथ हाँ हाँ में, जी तो जी जी वो सिर्फ स्क्रिप्ट थी उनके पास। तो वो आए मेरे पास ये फिल्म करने के लिए। उस टाइम कोई डायरेक्टर अटैच नहीं था, एंड उस टाइम पे मैंने विशाल को सजेस्ट किया कि मुझे मन है अजय सर के साथ काम करने का, क्योंकि मैंने उनकी सेक्शन 375 देखी थी कुछ टाइम पहले उससे, एंड मुझे बड़ी पसंद आई थी। और मैंने उनको एक्चुअली रीच आउट करके बोला था कि बिना जाने के मतलब ये फिल्म उनके पास जाएगी। ये मैंने पिक्चर उनकी देखी और बोला था कि बहुत अच्छी लगी मुझे, मुझे उम्मीद है मैं आपके साथ एक बारी काम करूँ। एंड जैसे ही ये पिक्चर आई, मुझे पता नहीं जहन में लगा कि शायद ये वो बहुत अच्छा डायरेक्ट कर पाएंगे इस तरह का जॉनर। तो इसलिए मैंने विशाल को बोला उनको रीच आउट करते हैं। उनको हमने रीच आउट किया, उन्होंने पढ़ी एंड ही इमीडिएटली सेड यस। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि कोई ऐसा डायरेक्टर जिसको मतलब मैंने कभी बोला हो कि मुझे आपके साथ एक बार जरूर काम करना है, एक्चुअली मैं कर पाई उसको सक्सेसफुल। तो मैं बहुत खुश थी इस बात से। अच्छा, आप दरअसल फिल्म जो है वो एक थ्रिलर है, और मैं कोई स्पॉइलर नहीं बनना चाहता, आप इस फिल्म के बारे में थोड़ा ऐसा ना हो कि मैं कहीं कुछ गलती कर बैठूं और कोई सस्पेंस खोल डालूं, आप खुद ही बताइए, क्योंकि ना इसमें कुछ फिलॉसफी भी है, ये सीधी सीधी जी एक हाँ, स्टोरी तो नहीं है। क्योंकि पिक्चर रिलीज हो चुकी है तो काफी हद तक आप चीजें बता भी सकते हैं बिना ट्विस्ट एंड टर्न्स बताए। उसका फिलोसफिकल साइड तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि अब पिक्चर रिलीज होने के बाद के इंटरव्यूज में तो आप बात कर ही सकते हैं उस बारे में। जी। अच्छा, आप ये बताइए कि इस फिल्म को लेकर के जो चैलेंजेस आपको, आपने एक एक ब्लाइंड, काफी फिल्म का काफी हिस्सा ऐसा है जिसमें कि आपकी आंखों पे पट्टी ही बंधी हुई, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग तो रहा होगा आपको। जी फिजिकली मेंटली अलग अलग तरह के चैलेंजेस थे इस पिक्चर में। हालांकि देखने में पिक्चर बहुत कंफाइंड और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में लगती है, बट इसकी वजह से जो फिजिकली तो आप देख ही रहे थे कि मेरे को जब मुझे जिन जिन सीन्स में मुझे नहीं दिखना था वो एक्चुअली में मुझे नहीं दिखता था, क्योंकि स्टार्टिंग में कोशिश करी एक्टिंग ट्राई करने की कि भाई दिख रहा है, फिर भी कोशिश करती हूँ ऐसा बिहेव करूँ कि नहीं दिख रहा है, तो वो ना ढंग से अच्छा नहीं लग रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि मैं फर्जी एक बनावटी एक्टिंग हो रही है, कि मुझे पता है मैं सही जगह पे ही पैर रख रही थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक बारी पूरा अंधा होकर ही देखते हैं। तो वो वाइट लेंसेज यूज करे गए जिन पोर्शंस पे आंखें दिखनी थी, और जिन पोर्शंस पे पट्टियां बंधी थी तो उसके अंदर तो वो फिर पट्टियां ही बंधी रही, अंदर कॉटन लगाई थी मैंने ताकि मेरी आंखों को मुझे कुछ भी ना दिख पाए, ताकि मैं थोड़ा कन्विंसिंगली गिर पड़ सकूं, कन्विंसिंगली चल सकूं। जो डर होता है आगे बढ़ने का, जब दिखाई ना दे रहा हो नया नया आपको, तो वो जो डर आएगा वो अच्छे से आएगा। तो वो फिजिकल एस्पेक्ट था। दूसरा मेंटल एस्पेक्ट आता है जब आपको दिखता नहीं है, आपकी एक सेंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंस जब बंद कर दी जाती है पूरी तरीके से, तो आपके बाकी सेंसेस ना ज्यादा हाइटेंड हो जाती जी हाँ, है। तो आपका वो आपको फिल्म में एक डायलॉग भी है कि हाँ वो आपको नर्वस सिस्टम के बारे में समझाते हैं, हाँ हाँ वो हाँ हाँ आपका तो वो होता है जो कि जो आपका जी नर्स है, जो हमारे हाँ नर्स, दीपक। फीमेल नर्स है जी, दीपक। तो वो यही है कि मेरे को सुनाई, मैं ज्यादा फोकस से सुनाई देती मुझे चीजें जो मुझे शायद शायद नॉर्मली फोकस नहीं कर सकती मैं इतना अच्छा उन चीजों पे। वो दिमाग भी आपका फोकस ज्यादा जल्दी होता है क्योंकि आपका एकदम चली जाती है जी दिखने की, तो आपका दिमाग का फोकस, मुझे लगा एटलीस्ट मेरा दिमाग का फोकस शार्प हो गया था जब मैं नहीं देख पा रही। थोड़ी बेचैनी होती है स्टार्टिंग में, बट फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जैसे बिटवीन शॉट्स, बिटवीन टेक्स भी मैं ब्लाइंड फोल्ड हटाती ही थी, क्योंकि फिर वो उसको इन एंड आउट जाना, वो शायद वो जोन टूट जाएगा परफॉर्मेंस का, इसलिए फिर मैं वो अंधा होके ही बैठी रहती थी मैं सारे टाइम पे, जिस टाइम अंधे वाले सीक्वेंसेस शुरू हुए थे। तो वो आपको आपका दिमाग, मुझे मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि पहले तो थोड़ा सा बेचैनी होती है, बट उसके बाद ना एकदम शांत हो जाता है सब अंदर,
एक बार एक्सेप्ट कर लो कि नहीं दिखेगा, उसके बाद आपका दिमाग जो है वो ज्यादा काम करने लग जाता है आप, क्योंकि आपकी बाकी सेंसेस ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो वो कुछ अलग अंदर का एक्सपीरियंस है जो था मुझे, एक तरीके से चैलेंजिंग ये भी था बात कि पिक्चर में वैसे ही लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं, और आप अगर मेरा आधा मुंह कवर कर देंगे, दिखाई नहीं दे रहा और पट्टी बंधी हुई है और बॉडी लैंग्वेज भी कंट्रोल हो जाती है क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा अगर आपको, तो आपको सिर्फ मेरी आवाज से और मेरा मुंह दिख रहा है आपको सिर्फ, उससे मुझे परफॉर्म करना है। हालांकि एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा उसका वेपन होता है आंखों से परफॉर्म करना या फिजिकैलिटी होती है तरह की, मेरे पास वो चली गई थी एक टाइम के बाद। तो वो उस तरह के चैलेंजेस जब मैं कर रही थी परफॉर्म, तब मुझे धीरे धीरे फील होने शुरू हुए। ये मैंने जब हाँ कर दी थी फिल्म को, उस टाइम पे इतनी डिटेल में नहीं सोचा था कि ये सब तरह के चैलेंजेस होंगे। करते करते हर रोज कुछ एक नई चीज लगती थी कि यार ये था मैंने, मुझे करना पड़ेगा। बट हाँ, मतलब अब वो रिजल्ट देख के मुझे आई थिंक लगता है कि वो जो सारी मेहनत थी वो वर्थ थी। और वो देखे ना कि वो जो बहुत ही प्यारी जो लाइन है, जो नैना तुम्हारे हैं रैना से कारे हैं, इनमें कुछ जी मौसम है इनमें दो तारे हैं, इनमें दो तारे, हाँ वो जी जो जो दो तारे जो है वो तो बंद ही रहे हाँ हाँ, दो तारे तो थे अच्छा वो कवर्ड थे सारे टाइम। एक और बात तापसी मैंने महसूस की कि ये थ्रिलर है, लोकेशन बड़ी प्यारी थी, पहाड़ पे रात का वक्त बिजलियां कड़क रही हैं, जो मतलब जो एम्बियंस जो मतलब जो माहौल बन रहा था वो बहुत गजब का था। और खास तौर पे जब आप वेलनेस सेंटर में जाती हैं नीचे, वो लोकेशन क्या गजब लोकेशन थी, मेरे ख्याल से नैनीताल ही था वो। नैनीताली था, सारा इन एंड अराउंड नैनीताल ही शूट हुई है पूरी पिक्चर। ये आई जी थिंक अजय सर का डिसीजन था कि हमें इस तरह के माहौल में शूट करनी चाहिए, एंड सुधीर चौधरी की सिनेमाटोग्राफी है जिसकी वजह से वो और उभर के आ रहा था माहौल पूरा खास तौर पे स्क्रीन वो पे। शॉट जब आप उस वेलनेस सेंटर में एक बार फिर जी आपको वो छतरियों वाला जो एरियल शॉट जो लिया गया, जी 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 वाकई में वो कमाल बहुत की ही जी सिनेमाटोग्राफी, बहुत कमाल की हाँ। सो आई सिनेमाटोग्राफी। थिंक सुधीर सर एक हीरो है हमारी फिल्म के लिए, क्योंकि कैमरा बहुत स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इस फिल्म में रहा है। जी तो जी आई थिंक सुधीर सर का काफी कंट्रीब्यूशन है, जो वो थ्रिल क्रिएट करने में, वो जो माहौल क्रिएट करने में, लोगों को फील करवाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। जी जी अच्छा गुलशन देवैया के साथ और अभिलाष के साथ आपका मतलब ट्यूनिंग कैसी रही, कैसा लगा? जी, गुलशन के साथ पहली बार काम कर रही हूँ और काफी समय से मेरा मन था मैं इनके साथ काम करूँ। इनका काम देखा हुआ है मैंने, बहुत लिमिटेड काम, मतलब चूज करके काम करते हैं बहुत कम, बट जब भी करते हैं इनकी स्क्रीन प्रेजेंस मुझे बहुत स्ट्रांग लगती है। तो मेरा मन था कि एक बार इनके साथ कभी मौका मिले काम करने का तो अच्छा था। इसमें क्योंकि मैं को प्रोड्यूसर भी हूँ, तो इसके अंदर बकायदा मैं सजेस्ट कर सकती हूँ नाम लोगों के कि इनको पूछिए कि ये रोल करेंगे कि नहीं करेंगे टाइप्स। तो ये मैं आई एम ग्लैड कि मतलब जब सजेस्ट किया गया गुलशन का नाम तो उसने हाँ करी, क्योंकि मैं जरूर चाहती थी एक बार इनके साथ काम करना। और वो एकदम जितने इंटेंस एक्टर ऑन स्क्रीन दिखते हैं उनके रोल्स में, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है पर्सनालिटी उनकी और इन रियल, वो हमें मिलके पता चला। तो वो एकदम जो भ्रम होता है एक तरह का, एक एक्टर के बारे में आपको लगता है आप जानते हो, जब स्क्रीन पर देखते हो वो पूरा ही टूट गया, क्योंकि वो जितने मतलब मजाकिया इंसान है ऑफ स्क्रीन, वो एकदम वो इंटेंसिटी के ऑपोजिट पर्सनालिटी है वो ऑफ स्क्रीन। तो बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके, उनको जान के। अभिलाष को मैं पिछले 6 साल से जानती हूँ, मेरा बहुत करीबी दोस्त है वो आया था एक्चुअली पिक्चर में एक सीन का रोल करने, क्योंकि अच्छा वो पहाड़ी लड़का है। तो वो अच्छा उसको उसको मैंने बोला था कि एक एक सी एक सीन है पिक्चर के अंदर एक मैनेजर का वो कर ले, क्योंकि हमारे को लोकल पहाड़ी लड़का कोई चाहिए था उसके लिए। तो और उसके लिए भी मैंने उससे ऑडिशन दिलवाया था, मैंने कहा तू मेरे फ्रेंडशिप कोटे में नहीं आएगा, तू इस फिल्म में तू ऑडिशन देगा इस एक एक सीन के लिए भी। तो उसने बकायदा ऑडिशन दिया उस एक सीन के लिए भी और उससे सेलेक्ट होके फिर वो एक सीन करने आया था। बट वो अजय सर को इतना पसंद आ गया कि अजय सर ने फिर मुझे पूछा कि क्या इसको हम दीपक का रोल दे दें। तो मैंने कहा सर ओहो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तू अरे वाह मेरा कुछ भी कहना शायद बायस हो सकता है, तो आप बताएंगे। तो मैंने कहा कि तो उन्होंने उन्होंने एक्चुअली मुझे बोला कि एक बारी करके देखते हैं। तो मैंने कहा एक बारी आप टेस्ट कर लीजिए इसको दीपक के रोल में, आप खुद इसको। तो उसको एक दिन पूरा दीपक के सीन्स करवाए मेरे साथ,
देखने के लिए कि कैसे होगा। उसके लिए काम सबसे ज्यादा बात ये है, क्योंकि वो एक्चुअली में रियल लाइफ में रेडियो जॉकी है, तो जी, उसको मैंने मैंने अगर, मैंने मैंने पढ़ा विकिपीडिया पे कि हाँ वो जी, रेडियो तो जॉकी। वो हाँ रेडियो जॉकी है, काफी सालों से दिल्ली के है, हम दोनों ही, और मैं हाँ वहां दिल्ली से भी, वहां दिल्ली में भी उसने काफी रेडियो किया, यहाँ के काफी रेडियो कर रहा है, इनफैक्ट उसकी रेगुलर जॉब अभी भी एक आरजे की ही है, और जी तो आई थिंक वो उसका काफी काम आया, उसका आवाज के साथ खेलना, क्योंकि काफी समय तक उसकी शक्ल ही नहीं दिख रही है, तो जी लोगों जी को, तो वो बहुत अच्छे से अपनी आवाज यूज कर पाया। बाकी उसके अंदर टैलेंट जो है वो तो अब खैर, जैसे जैसे मैंने कहा कि मैं उसकी इतनी पुरानी और गहरी दोस्त हूँ, तो मेरा कुछ भी कहना लोगों को बायस लग सकता है, बट जेनुइनली उसके अंदर जो नहीं, कैरेक्टर्स निभाने की इच्छा बहुत होती है, बहुत पावरफुल परफॉर्मेंस वाकई में मुझे। हाँ जी, हाँ, एक जो किरदार उनको दिया गया था उस किरदार में वो पूरे फिट थे। जी, बहुत लकीली आई एम वेरी ग्लैड कि अजय सर ने उसको मौका दिया, और बिल्कुल उसके मेरिट पे दिया, एंड उसने इतना अच्छा उस मौके का जो पूरा फायदा उठाया है उसने। आई रियली होप कि इस फिल्म के बाद उसको मतलब और भी ऐसे जबरदस्त रोल्स मिले, क्योंकि वो जेन्युइनली अच्छा कैरेक्टर्स करना चाहता है, वो बहुत मेहनत करता है लड़का अपने कैरेक्टर्स पे, उसने जो भी आज तक छोटे मोटे रोल किए हैं इधर उधर, वो हर रोल के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत रिसर्च करता है, तो इसके बाद उसको और अच्छे अच्छे रोल पे। अच्छा, तो आपसे एक बात समझ में नहीं आई, मैंने आपकी काफी फिल्में देखी हैं, ये क्या बात है? मतलब आपकी ज्यादातर फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें आप ही छाई होती हैं, वुमेन सेंट्रिक एक्ट्रेस सेंट्रिक रोल्स होते हैं। बताइए मेरे को, ये हसीन आप दिलरुबा, किसी हीरो हसीन से क्यों नहीं दिलरुबा में भी आप पूछते? छाई हुई थी, मतलब हीरो के लिए कोई गुंजाइश छोड़ती नहीं आप। देखिए ऐसा देखिए, मेरी पिक्चरों के ना जो हीरो होते हैं, चाहे वो अभिलाष इसके अंदर हो, गुलशन हो, या फिर हसीन दिलरुबा में विक्रांत हो, उन सबके रोल ऐसे नहीं होते जो यूजुअली लड़कियों को मिलता है हीरो वाली फिल्मों में करने को, सिर्फ 3 गाने और 5 सीन, उसके लिए नहीं होते मेरे पिक्चर के अंदर हीरोज, एटलीस्ट उनका जो रोल होता है वो काफी सॉलिड होता है। बट ये सवाल मुझे ना बहुत, अब वो लगता है कि यार ये तो आप हीरो से तो किसी ने नहीं पूछा आज तक कि आपकी सारी पिक्चरों में आप ही हीरो होते हो, लड़कियां कुछ नहीं कर रही होती, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ये बात को? तो ये मुझे लगता है कि मेरे पास एक तो रोल ही ऐसे आते हैं कि फिल्में ही ऐसी आती हैं जिसको शोल्डर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फीमेल के ऊपर हो, मेरे पास ऑप्शन ही ये होते हैं इनमें से चूज करने वाले, या तो काफी समय तो मुझे लोग ये बोलते हैं कि भाई काफी लड़कियां नहीं लेना चाहती इस तरह के रोल, मुझे लगता था कि शायद अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती लड़कियों को, बट जब मैं प्रोड्यूसर बनी और मैंने इस तरह की पिक्चरें आगे लड़कियों को पिच करनी शुरू करी, तो मैंने रियलाइज किया कि हाँ कुछ हद तक ये बात सच है कि काफी लड़कियां ये जिम्मेदारी जो होती है पिक्चर की अपने कंधों पे उठाना नहीं चाहती, काफी लड़कियों को लगता है कि नहीं शायद ये नहीं हो पाएगा, अगर हिट नहीं हुई तो मेरे नाम पे फ्लॉप का टैग आएगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, हीरो होना चाहिए, तो वो काफी लोगों को डर है, ये मैंने प्रोड्यूसर बनने के बाद जाना, बट मेरे को एज एन एक्टर ये काफी जल्दी, मैं कह सकते हैं मेरे को ये खून लग गया था इस बात का कि अगर आप खुद हीरो हो अपनी फिल्म का, तो वो जो ऑडियंस का प्यार होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पिक्चर निभाने की, वो बहुत अच्छी फील करने लग गई मुझे, तो उसके बाद से मैंने मेरे पास ये ऑप्शन तो और आने लग गए। हालांकि ऐसा नहीं है मैं वो फिल्में नहीं करती जिसके अंदर मेरा कम रोल हो, जैसे कि मैंने सूरमा भी करी है, मैंने कृष्ण मंगल भी करी है, तो मैं ऐसी पिक्चरें भी करती हूँ कभी कभी बीच में, जो जिसमें मेरा किरदार सेंट्रल किरदार नहीं होता, कभी कभी मजा आता है कि सारी जिम्मेदारी खुद के कंधों पे ना हो, बट हाँ मतलब मेरे पास वैसे ऑप्शन बहुत कम ऊपर होती है ऊपर वाले ने ऐसे। आपको कंधे बड़े मजबूत दिए हैं, और मतलब मैंने ये देखा हर फिल्म में आप कितना भागती हैं, एथलेटिक फिजिक है आपकी, कितना भागती हैं और क्या-क्या कर डालती हैं, तो मुझे लगता है इसके अंदर कि बिल्कुल मन नहीं था भागने का, इसके अंदर तो मतलब जान बचा के थोड़ा बहुत भागना भागना पड़ा, वरना भागने की इंटेंशन बिल्कुल नहीं थी इस फिल्म के अंदर मेरी। नहीं, ये एक इत्तेफाक है कि आपको जो रोल्स मिलते हैं उसमें आपके इन मजबूत कंधों का पूरा पूरा फायदा उठाया जाता है। जी, मजबूत कंधे, हाथ, टांग, सारे सबका तो फायदा उठाया जाता है मेरे। अब कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं ब्लर को लेकर के? ये बहुत अच्छे, जब ये पिक्चर आई थी, जब हमने ट्रेलर रिलीज किया था, हमने कुछ सिर्फ 10 दिन पहले रिलीज के किया था,
तो मुझे नहीं लगता उस टाइम पे लोगों ने एंटिसिपेट, पता था उनको कि रिलीज होने वाली है, कैसी होगी, क्या होगा। फिर हमने जब ट्रेलर रिलीज किया तो कुछ लोगों के काफी अच्छे रिस्पॉन्स आए। फिर धीरे धीरे हमने, क्योंकि मेरे पास पिक्चर के बारे में, अगर आपने पिक्चर देखी, आप समझ जाएंगे कि मेरे पास ना प्रमोशन के दौरान कुछ ऐसा मटेरियल था नहीं बोलने के लिए जो मैं आपको पिक्चर देखने से पहले बात कर सकूं इस बारे में। जी 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 तो मैंने तो हमने इंटरव्यूज कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, हमने किए ही नहीं इस चक्कर में ज्यादा के लोगों को पिक्चर ही दिखा देते हैं। हमारे पास ना गाने हैं जिसमें हम जो हम प्रमोट करें जा जाके, ना हमारे पास कुछ ज्यादा पिक्चर के बारे में बताने को है। हमारा सबसे बड़ा प्रमोशन मार्केटिंग टूल था पिक्चर, तो जी हमने कहा वही दिखा दीजिए। तो हमने ना हफ्ता पहले पिक्चर की रिलीज से लोगों को पिक्चर दिखानी शुरू कर दी थी यहाँ पे, मीडिया को, इंडस्ट्री के लोगों को, सबको, कि आप जी पिक्चर देख लीजिए, हमें कॉन्फिडेंस है अपनी पिक्चर पे। और पहली स्क्रीनिंग से ही इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया। हमारी पहली स्क्रीनिंग ब्लाइंड लोगों के लिए करी हमने। काफी सारे, मैं कुछ 150 100 150 लोग होंगे कम से कम, जिनका ब्लाइंड ब्लाइंड लोग जिन्होंने देखी पिक्चर, और उनको इतनी, उनका जो रिस्पॉन्स था वो तो मैं कह सकती हूँ एक सिंगल स्क्रीन ऑडियंस जैसा रिस्पॉन्स था पिक्चर को लेके। तो उससे काफी कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद से तो हर स्क्रीनिंग पे हमारे को बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। अभी भी मुझे रोज आए दिन कुछ ना कुछ मैसेजेस आए जाते हैं तो उधर से लोगों के, जिन्होंने जो देख रहे हैं अब धीरे धीरे करके, कि बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अलग है, बहुत पकड़ के रखती है, बहुत डरा के रखती है। तो काफी इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स, लोग जो आए थे स्क्रीनिंग पे मुझे बोलते हैं अगले दिन तक के सपने आते रहे इसके, डरावने रात को। तो ये जी सब, इस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है इस जी पिक्चर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी खुद अपने घर में बड़ा माहौल बना के सब पर्दे वर्दे अंधेरा करके देखी थी, और कुछ सीन तो ऐसे थे बहुत ही डरावने थे। तो 2 घंटे 6 मिनट की ये जो फिल्म है आपकी ब्लर, ये कितने दिनों में कंप्लीट हो गई? 40 45 दिन के बीच में। और आप ये 40 45 दिन बीच बीच में आती भी रही या नैनीताल ही रही? नहीं, नैनीताल ही रही मैं पूरे टाइम, नैनीताल ही थी। एक ही बारी करके शूट फिर वापस आया। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके तापसी, और साउथ एशिया शुक्रिया, टाइम्स मेलबर्न थैंक की यू, तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ओके बाय। बाय।